टिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी कला के सरपंच रामनारायण मिर्जा ने नेवरा थाना में शिकायत दर्ज कर बताया कि गांव के भूतपूर्व सरपंच के लड़के डागेश्वर साहू ने उसके साथ मारपीट की है। सरपंच ने बताया कि भाजपा ग्रामीण मंडल के दिग्गज नेता व उसका भाई आए दिन पैसों की मांग करते हैं, साथ ही गांव में कोई भी विकास कार्य आता है तो उसका ठेका हमें ही दे दो कहकर हमेशा दबाव बनाता है। गांव के पास वाले ईंट भट्टे के पास डागेश्वर उनसे मिला और रुपयों की मांग कर मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने पत्नी आई तो आरोपी ने उसके साथ भी अश्लील तरीके से गाली गलौज की और जाति सूचक गाली देकर मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। सरपंच अपनी पत्नी के साथ नेवरा थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। साथ ही सरपंच रामनारायण मिर्जा और उसकी पत्नी ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा थाना में पहुंचकर आरोपी का पक्ष लिया जा रहा है, साथ ही उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिल्दा पुलिस अगर कार्यवाही नहीं करेगी तो हम उच्च अधिकारियों एवं महिला आयोग जाकर शिकायत करेंगे। जिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। अब मैं खपरी कला सरपंच की पत्नी हूँ, राजेश्वर साहू मेरे पति के साथ मारपीट किया है, विवाद किया है, उसको मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, वो मेरे साथ भी मारपीट किया है, कपड़ा उपड़ा फाड़ा है, अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मैं ऊपर जाऊंगी। ऊपर तक सुनवाई। मैं रामनारायण मिर्जा खपरी कला सरपंच हूँ, मेरे साथ डागेश्वर साहू मारपीट किया है और गाली गलौज किया है, जाति सूचक गाली दिया है, साथ ही साथ मेरे साथ मेरी पत्नी थी उनके साथ भी मारपीट किया है, उनका कपड़ा फटा है। डागेश्वर साहू है कौन गाँव का? डागेश्वर साहू भूतपूर्व सरपंच का लड़का है। क्या नाम है भूतपूर्व सरपंच? राम भाई साहू। इसमें कई बड़े नेता आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि समझौता करो। हाँ, मेरे ऊपर काफी लोगों का फोन आया केस को वापस लेने के लिए। इसमें भाजपा के भी नेता थाने में खड़े थे? लगभग थे, पूरे भाजपा के नेता पार्षद थाने में खड़े थे। क्या उन लोग दबाव बना रहे हैं क्या केस वापस लेने? जी। तो क्या करना है आपका? मैं केस वापस नहीं लूंगा।